नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हम आपको क्राइम की एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक कहानी है बाराबंकी की, जो कि यूपी में स्थित एक जगह है जहाँ पर एक पति ने अपने प्रेमिका से शादी करने के लिए एक ऐसा हथकंडा अपनाया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक पति ने खुद अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देने के बाद खुद कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की तो उन्हें पता चला कि ये जो मर्डर है वो खुद उस महिला के पति ने किया है। उनकी मंशा ये थी कि वो अपनी प्रेमिका को अपने घर में पत्नी बनाकर रखना चाहता था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक छात्र पति ने अपनी प्रेमिका से शादी करने और अपने विरोधियों को फंसाने के लिए ऐसी साजिश रची जिसे सभी को झकझोर कर रख दिया। यह पूरा मामला बीती रात 8 जून का है, जब बाराबंकी से असंद्रा थाना क्षेत्र के अरुई गांव में रहने वाले दामोदर नाम के एक शख्स ने करीब रात 10 बजे पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी संगीता के साथ कार से देर रात घर जा रहा था, तभी आस्था थाना क्षेत्र में सिद्धौर के आगे उसके गांव के ही सोनू वर्मा समेत उसके कई साथियों ने गाड़ी रोककर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर भागा, तभी हमलावरों ने उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दामोदर की पत्नी संगीता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद 9 जून को जब उसकी पत्नी संगीता का शव पोस्टमार्टम के बाद अरुई गांव पहुंचा तो दामोदर के परिजन ने काफी विरोध किया, क्योंकि उस समय दामोदर को पुलिस ने थाने पर ही पूछताछ के लिए रोक रखा था, जबकि दामोदर के परिजन उसको गांव लाने की जिद पर अड़े थे। जब पुलिस दामोदर को लेकर गांव पहुंची तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। उसके चिल्लाते ही ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इतने में मौका देखकर दामोदर फरार हो गया। दामोदर के फरार होते ही पुलिस का शक उस पर और गहरा हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और जगह जगह खाक छानती रही, लेकिन दामोदर पुलिस के हाथ नहीं आया। इसके बाद 21 जून को दामोदर ने बड़े ही नाट्य ढंग से इसी बलवा वाले मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अगले ही दिन यानी 22 जून को पुलिस ने उसकी प्रेमिका को भी जेल भेज दिया, लेकिन केस अब तक नहीं सुलझा था, इसलिए पुलिस ने दामोदर को रिमांड पर ले जाकर पूछताछ कर प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। और अब रिमांड के दौरान पूछताछ ने उसने मामले में एक एक कड़ी को खोल कर रख दिया। पुलिस ने आरोपी को निशानदेही पर हत्या में प्रपंच तमंचा बरामद कर लिया। एएसपी मनोज पंड्या ने बताया कि बीती रात को कुछ लोगों ने सूचना दी थी कि उसकी पत्नी के गांव के ही कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दामोदर ने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाकर घर पर रखना चाह रहा था। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि रामगढ़ पछवाड़े के गांगली आवास में अखंड रामायण के आयोजन के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्री रामानंद आश्रम के पीठाधीश्वर संत श्री सोनूदास महाराज के नेतृत्वाधान में महाराज कलदास की बगीची में हो रहा है भव्य आयोजन। तो वहीं श्री रामचरितमानस अखंड रामायण का शुभारम्भ किया गया और गांगली आवास स्थित शिव मंदिर से बैंड बाजे के साथ में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं धर्म लाभ उठाने को लेकर के श्रद्धालुओं ने भी उत्सव में शिरकत की। साथ ही साथ धार्मिक आयोजनों से हिंदू धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस के सक्षम आप लोग के साथ, आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि लगातार राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर नगर निगम ग्रेटर में निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर का मामला जोरों शोरों पर चल रहा है और इसी को लेकर के कल एक और बड़ा रुख देखने को मिला है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को कल एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे को भी इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ पूरा मामला आखिरकार है तो है क्या, जिसमें आप सभी को बता दूं कि एक वीडियो वायरल किया गया था और उस वीडियो के अंदर वह रिश्वत मांगते हुए साफ साफ नजर आ रहे थे और उनके साथ में ओमकार सप्रे भी उसके अंदर मौजूद थे। साथ ही साथ इसके साथ साथ आरएसएस के प्रचारक निंबाराम भी
उसमें मौजूद थे और उनके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है और साथ ही साथ एसीबी इस पूरे मामले की तह तक जा रही है कि आखिरकार इन्होंने रिश्वत मांगी और इस रिश्वत मामले के अंदर और किस किसका हाथ सामने आ सकता है। तो एसीबी इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इसमें कई बड़े खुलासे करने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि कोरोना वायरस के अंदर अभी राजस्थान के अंदर कोवैक्सीन कोविशील्ड ये दो वैक्सीन चल रही हैं और इसी के साथ में स्पूतनिक वैक्सीन आने की भी बात चल रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोना के ऊपर प्रभावित साबित होने वाली वैक्सीन मॉडर्ना है और इसे अब भारत ने मंजूरी दे दी है भारत के अंदर आयात करने की। यह सिप्ला कंपनी देश को इसका आयात व निर्यात भी करेगी। जो मुंबई के अंतर्गत स्थित है सिप्ला कंपनी वह इसका आयात और निर्यात दोनों करेगी और इसकी अनुमति सरकार ने उसको दे दी है। साथ ही साथ आप सभी को इसमें यह भी बता दूं कि देश में जो अभी वैक्सीन की स्थिति बनी हुई है वह वैक्सीन जो ये मॉडर्ना वैक्सीन है यह अमेरिका से आयात की जाएगी लेकिन राजस्थान के अंदर इसको नहीं बनाया जाएगा और ना ही भारत के अंदर इसको बनाया जाएगा। अभी तक की बातों के हिसाब से यह सामने आया है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर इसकी एक डोज की कीमत अभी 2715 रुपए है तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिरकार भारत के अंदर इस डोज की आखिरकार क्या वैल्यू रखी जाएगी। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि लगातार जम्मू के अंदर ड्रोन से हमले देखने को मिल रहे हैं और आतंकी फिर भी मान नहीं रहे हैं और आतंकी लगातार ड्रोन भेज रहे हैं और वह ड्रोन दोबारा से कल एक बार फिर देखने को मिला है। यह लगातार तीसरा दिन है जब ड्रोन जम्मू के अंदर देखने को मिला है तो वहीं आप सभी को बता दूं कि डल झील के ऊपर इस ड्रोन को देखा गया है और वहीं इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक भी बुलाई है और इस पर चर्चा जारी है। लेकिन इसी के बीच संयुक्त राष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है कि आखिरकार यह ड्रोन कहां से आ रहे हैं किसके द्वारा आ रहे हैं और आखिरकार इसके पीछे हाथ किसका है तो जल्द ही इसका पता भी अब जरूर लग जाएगा और ऐसा बिल्कुल संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इस बारे में पता चले कि आखिरकार यह ड्रोन किस आतंकवादी क्षेत्र से आ रहे हैं या फिर कहां से इसको भेजा जा रहा है तो जरूर उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्यवाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जरूर की जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि देश के अंदर कोरोना वायरस तो बढ़ ही रहा है लेकिन इसी के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी अब केस बढ़ चुके हैं। पिछले 2-3 दिनों से केसों में लगातार कमी दर्ज की जा रही थी लेकिन अगर हम कल की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर 121 मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 2 लोगों की मौत भी कोरोना वायरस की वजह से होती हुई नजर आई है और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर 37 कोरोना के नए केस सामने आते हुए नजर आए हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है और इसी को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि उन्होंने कहा कि भारतीय संसद ने संविधान की सर्वोच्चता को रखा बरकरार तो वहीं आमजन की आशाओं और अपेक्षाओं को स्वर देने का काम भी किया है। साथ ही साथ जनहित में कानूनों के निर्माण नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाई गई। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें आप सभी को बता दूं कि लड़की का अपहरण कर भगाने का मामला सामने आया है। माणक लाव गांव की यह घटना बताई जा रही है तो वहीं पीड़ित की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज हुआ। लड़की के परिजनों की रिपोर्ट पर नामजद के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया तो वहीं कड़वड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसके अंदर राज्य में कार्यरत लगभग 8 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि पहले ये केवल राजपत्रित कर्मचारियों के लिए
प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन का रूल बनाया गया था, लेकिन अब ये अधिकारियों से लेकर पीएम तक के लिए सबके लिए प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अब राज्यों के सभी करीब 8.5 लाख कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। इनमें टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर के पियोन तक सभी शामिल होंगे। पहले केवल राजपत्रित अधिकारियों की ही प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन अनिवार्य था, लेकिन अब ये सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा। प्रदेश के कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अचल संपत्ति को विवरण नहीं देने पर कार्मिक का वार्षिक इंक्रीमेंट एवं प्रमोशन प्रभावित हो सकता है। कर्मचारी को 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अपने अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। राज्य के कार्मिक विभाग के अनुसार यह आदेश राज्य सरकार के सभी नियंत्रित बोर्ड, निगम, स्वशासी संस्थाओं और राजकीय उपक्रमों पर लागू होंगे। राजपत्रित अधिकारियों की भांति अचल संपत्ति का वर्तमान मूल्य का आधार DLC दर के अनुसार किया जाना है। राज्य के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया, वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अचल संपत्ति का विवरण देने के लिए निर्देशित करें। राजस्थान के जेलों में बंद कैदियों के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार विचारशील है और इसी विचार को आगे बढ़ाने के क्रम में एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसमें 17 पेट्रोल पंपों का राज्य में विस्तार किया जाएगा और उन सभी पेट्रोल पंपों की जिम्मेदारी जेल के बंद कैदियों को दी जाएगी। राजस्थान के जेलों में बंद कैदियों के कौशल विकास और जेल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार नवचार जारी है। पिछले साल जयपुर में शुरू किए गए नवचार को अब प्रदेश भर में एक्सटेंड करने की तैयारी है। अब जल्द ही प्रदेश भर में 17 पेट्रोल पंप शुरू किए जाएंगे, जिसका जिम्मा कैदियों के पास रहेगा, यानी कैदी ही पेट्रोल पंप का संचालन करेंगे। शुरुआती तौर पर अलवर और भरतपुर में पेट्रोल पंप शुरू करने को लेकर जेल प्रशासन और संबंधित कंपनी के बीच MOU हो चुका है। इसके साथ ही कोटा में एक और, अजमेर के 2 पेट्रोल पंप शुरू करने की तैयारी है। जेल DG राजीव दासोत ने बताया कि 12 और जिलों में पेट्रोल पंप शुरू करने को लेकर सर्वे किया जा चुका है। अक्टूबर 2020 में जयपुर में जेल प्रशासन की ओर से पहली बार पेट्रोल पंप शुरू किया गया था। उसे आज भी जयपुर ओपन जेल के बंदी संभाल रहे हैं। इस पेट्रोल पंप में जेल प्रशासन को 10 लाख रुपए की आय भी हो रही है। पेट्रोल पंप को मिल रहे रिस्पांस और बंदियों के कौशल विकास से उत्साहित जेल प्रशासन ने अन्य जिलों में भी इस कवायद को शुरू करने की ठानी है। जेल DG राजीव दासोत के अनुसार पेट्रोल पंप शुरू करने से बंदियों को रोजगार मिल रहा है और जेल की चार दीवारी से मुक्ति भी। वही जेल विभाग को अच्छी आय भी हो रही है, इस जेल के विकास में लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की जेलों में गत कई वर्षों से नवचार किया जा रहा है। नवचारों के मामले में राज्य की कोटा सेंट्रल जेल सबसे आगे है। तो ये पहला पेट्रोल पंप शुरू हो गया। अभी 3 दिन पहले हमने अलवर और भरतपुर के लिए भी 2 पेट्रोल पंप का MOU साइन कर दिया है और इसके बाद कोटा और 2 पेट्रोल पंप अजमेर में, 3 की साइट हमारी सेलेक्ट हो गई, तो कुछ ही समय में वो MOU भी साइन कर दिया जाएगा। तो ये 6 पेट्रोल पंप्स तो चालू हो ही जाएंगे। इसके अलावा सर्वे हमने आगे के लिए भी किया है और 12 अन्य स्थान भी चिन्हित कर लिए हैं जिन पे कि काम शुरू होगा। तो लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो 18 पेट्रोल पंप हो जाएंगे और यदि एक पेट्रोल पंप हमें 10 लाख रुपए का एवरेज भी हम मान लें प्रति माह का, तो 1.80 करोड़ यानी 2 करोड़ रुपए महीना हमारी टारगेट है। पूरे देश के अंदर आतंकवादियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और ऐसे ही जम्मू के अंदर देखने को मिला है, जहां पर पिछले 3 दिन से लगातार आसमान के अंदर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनसे नुकसान शनिवार की रात्रि के समय पे हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी आतंकियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि भारत ने इतनी सतर्कता बरत रखी है, लेकिन फिर भी आसमान के अंदर यह ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कल जम्मू के डल झील के अंदर यह ड्रोन उड़ते हुए नजर आए हैं। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सतर्क हो चुके हैं और उन्होंने इस पर एक बैठक भी बुलाई है और बैठक के साथ साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंदर इस मुद्दे को उठाने की बात भी कही है कि आखिरकार यह ड्रोन आ कहां से रहे हैं और यह ड्रोन किस आतंकवादी क्षेत्र से भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर के अभी मंथन लगातार जारी है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार ड्रोन उड़ते हुए नजर आए हैं और ड्रोन के उड़ने के बाद में जो
पुलिस ने और प्रशासन ने एक ड्रोन को पकड़ा भी है, वो आखिरकार कहाँ का है और कैसे उसकी जांच की जा रही है, आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू में लगातार तीसरे दिन मंगलवार को भी ड्रोन मंडराए। साथ ही कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने खुलासा किया है कि डल झील के ऊपर मंगलवार को दिन में ड्रोन को जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और जम्मू के सैन्य क्षेत्र रतनुचक और कुंजवानी में भी ड्रोन देखे गए हैं। फिलहाल सेना ने ड्रोन देखे जाने की पुष्टि नहीं की। ड्रोन मामलों की जाँच NIA को सौंप दी गई है। और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद ड्रोन द्वारा इस्तेमाल को गंभीर खतरा बताया है। मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर ड्रोन हमलों को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। साथ ही साथ ड्रोन हमलों के हैंडलर्स की लोकेशन के बारे में पड़ताल अभी जारी है। साथ ही सूत्रों के अनुसार यदि उन्नत ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है तो आशंका है कि हैंडलर्स ने सरहद पार यानी पाकिस्तान से इसका संचालन किया हो। लेकिन इसकी भी आशंका है कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी यहीं से इसका संचालन कर रहे हों और लगातार तीसरे दिन ड्रोन देखने से आशंका है कि हैंडलर्स स्थानीय भी हो सकते हैं। कोरोना वायरस लाइव अपडेट। थाईलैंड रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड ऑफ 53 कोविड-19 फैटलिटीज एंड 4,780 इन्फेक्शंस एज़ द कंट्री स्ट्रगल टू कंटेन इट्स मोस्ट सीवियर आउटब्रेक सिंस द स्टार्ट ऑफ द पेंडेमिक। द कंट्रीज थर्ड वेव बिगन इन अप्रैल व्हेन द कॉजेस वाज लिंक्ड टू द बार एंड क्लब्स इन बैंकॉक। सिंस देन द वायरस हैज स्प्रेड रैपिडली इनसाइड द प्रिजंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज एंड क्राउडेड एरियाज ऑफ द कैपिटल। इन पास्ट 24 आवर इंडिया रिपोर्टेड 45,000 न्यू केसेस। Brazil was suspended and contract to buy Bharat Biotech COVID-19 vaccine Covaxin that has mired President Jair Bolsonaro in accusation of irregularities, Health Minister announced. A day after Punjab MLA Navjot Singh Sidhu's office claimed he has been called to Delhi for a meeting with Rahul Gandhi, the former Congress president said there is no such meeting. Media reports now state that the meeting is likely to be held on Wednesday. There is no meeting, I don't know what fuss you are making, Gandhi reported. And by leaving in Tughlaq Lane residence on it, he asked if he was meeting with Sandhu as claimed by the former Punjab minister's office. Rahul and Priyanka Gandhi are trying to bring all Congress leaders including Sidhu a common platform and present a united Congress ahead of elections. Jailed Bahujan Party's MLA and Mafia Don Muktar Ansari has pleaded before a Barabanki court for a television set in his barrack. Ansari made the plea during his appearance before Barabanki Chief Judicial Magistrate Rakesh when a hearing was underway for the extinction of the judicial custody in forgery case on Monday through video conference. The forgery case is related to the registration of bulletproof ambulance that Ansari allegedly used and moving between the Roper Jail in Punjab and various courts in the state. 48 hours after the India faced the first drone terror attack in Jammu, the center raised the threat at the Union National General Assembly conference. Speaking at the second level conference of the heads of the counter-terrorism agency of member state, VSK Kaumudi, Special Secretary MMHS Internet Security, raised the issues of drones and the threat of Pakistan-based terror group targeting India. The sudden demise of Raj Kaushal, filmmaker, and the Mandira Bedi's husband has sent shockwaves through the entertainment industry with an outpouring of the grief and advice at the actors to directors. He passed away on the Wednesday morning after suffering a death attack. Several celebrities including Neha Dupia, Manoj Bajpayee, Anil Devdatta, Arshad Varsi and Tiska Chopra came across the mourn the death of Kaushal on social media. That's all for today. For further updates, stay tuned with News19. मैं आप सभी को बता दूं कि जम्वा रामगढ़ के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाकर के जन्मदिन मनाया गया। जम्वा रामगढ़ उपखंड के पंचायत समिति आंधी के गांव लालवास में पूर्व सरपंच सुरेश मीणा ने सार्वजनिक व दार्शनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगा करके अपना जन्मदिन मनाया है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। सुरेश मीणा ने बताया कि केक काट करके जन्मदिन तो सब मनाते हैं पर पेड़ पौधे लगा करके जन्मदिन मनाना किसी पुण्य से कम नहीं। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इस मौके पर सरपंच ने युवाओं के साथ बाढ़ रसूलपुरा बालाजी महाराज के मंदिर में पेड़ लगाए जिसमें राजेश राकेश प्रधान, गणपत राजावत, सीताराम धारा सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।
जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि स्काउट शिक्षक को भावभीनी विदाई दी गई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनहड़ में कार्यरत शिक्षक कल्याण मन महावर और को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। सोनहड़ में स्काउट सर के नाम के विख्यात कल्याण मन 20 वर्षों से स्काउटिंग के लिए समर्पित रहे हैं। उनका स्काउटिंग के प्रति जज्बे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे विदाई के बाद स्कूल से घर भी स्काउटिंग यूनिफॉर्म में गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने 2 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति अवार्ड, 13 विद्यार्थी राज्यपाल अवार्ड दिलवाने में सहायता की। और इसी अवसर पर प्रधानाचार्य गंगाराम मीना ने कहा कि स्काउट पर हमेशा हर कार्य में अव्वल रहे हैं। यह सर स्काउट ही नहीं, परीक्षा परिणाम, विद्यालय के अन्य कार्यों में भी मन लगाकर कार्य करते हैं। और सरपंच बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि कल्याण शिक्षा क्षेत्र में उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। सभी शिक्षक विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए मन लगाकर मेहनत करें। सेवानिवृत्ति के अवसर पर कल्याण मन ने कहा कि वे अब स्काउटिंग के लिए पूर्ण समर्पित रहेंगे और अब स्काउटिंग के लिए अधिक समय दे पाएंगे। और इसी अवसर पर स्काउट सचिव ने स्थानीय संघ की ओर से साफा बंधवाया और स्काउट्स ने स्कार्फ पहना करके अभिनंदन भी किया है। इसी अवसर पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से उनका सम्मान किया गया। और इस अवसर पर सरपंच बाबूलाल गुप्ता, पूर्व सरपंच कालूराम मीना, पंचायत समिति सदस्य मालू सिंह मीना, चंद्रमोहन बैरवा सहित कई लोग उपस्थित रहे। यहाँ जब मैं आया तो आज जो विद्यालय बिल्डिंग है, और उस समय जब आया था 2001 में, यहाँ पर बहुत सारे ये छोटे छोटे कमरे थे, टूट फूट अवस्था में, तो बहुत कुछ यहाँ पे परिस्थितियाँ आज बदल गई है भौतिक रूप से। उस समय जब मैं आया यहाँ पे श्री मुरारीलाल जी जहांगीर कार्यरत थे, जो बहुत ही अपने आप पे एक हस्ती थे, व्यक्ति था, सोनर में उनका नाम भी है था। तत्पश्चात दो तीन प्रधानाचार्य यहाँ पे सही कार्य होकर चले भी गए हैं। यहाँ पर मैंने जितना हो सका छात्रों को देने का प्रयास किया है। वहीं वडोदरा के दूसरे सबसे बड़े शहर यानी कि जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि नकली दवाइयों के कारोबारी ने कोरोना के वक्त में भी लोगों की जान को जोखिम में डालने से गुरेज नहीं किया। आपको बता दें कि कोरोना को कम करने के लिए, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो मेडिसिन लगातार लेनी पड़ती है, उसकी नकली डोज बनाई गई और लगभग लाखों की डोज को मार्केट में बेचा गया। आपको बता दें कि फेविपिराविर नाम की जो मेडिसिन थी, उसकी नकली उत्पादन को मार्केट में उतारा गया। प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में कोरोना काल में भी दवा निर्माताओं की शर्मसार हरकत सामने आई है। कोरोना संक्रमण के पीक टाइम में दवा निर्माताओं ने कोरोना संक्रमण खत्म करने वाली दवा फेविपिराविर में नकली पाउडर मिलाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से गुरेज नहीं किया। हैरान करने वाली बात ये रही कि राज्य की औषधि नियंत्रण विभाग की जब नींद खुली, तब तक लाखों टेबलेट बाजार में बिक चुके थे। दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण को खत्म करने वाली फेविपिराविर सॉल्ट की टैबलेट की अमान्य दवा बेची गई। कोरोना संक्रमण खत्म करने के लिए पीड़ित को दी जाने वाली दवाओं में फेविपिराविर भी शामिल है। इलाज के दौरान पीड़ित को पहले दिन से ही इस टैबलेट की 18 टैबलेट लेनी होती है। इसमें 9 टैबलेट सुबह और 9 टैबलेट शाम को लेनी होती है। इसके बाद प्रतिदिन इसकी संख्या में कमी होती जाती है। इस टैबलेट की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। फेविपिराविर सॉल्ट का एक पैकेट 900 से 1300 रुपए तक बाजार में बिक रहा है। चलिए अभी रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने शराब की दुकानों को खोलने की जो समय अवधि है उसको लेकर के पत्र लिखा है। आखिरकार इस समय अवधि में जब शराब की दुकानें खुली भी हैं, लेकिन फिर भी इस पत्र के अंदर आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से।
जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने शराब की दुकानों के समय निर्धारण करने की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजा है। पूनम अंकुर छाबड़ा ने बताया कि आबकारी नीति के तहत प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक यानी 10 घंटे खुलने और बिक्री करने की अनुमति है, जिसका नियम हुतात्मा गुरुशरण छाबड़ा साहब के साथ पूर्व में हुए समझौतों में आपकी सरकार में ही तय हुआ था। और इसी के बावजूद वर्तमान में प्रदेश में शराब की बिक्री सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक होती है, जो 13 घंटे का समय है, और शराब की दुकानों का यह समय स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा साहब के साथ हुए समझौतों की भी अवहेलना है। साथ ही इससे प्रदेश का माहौल भी खराब हो रहा है और स्थानीय निवासियों में नाराजगी के साथ खौफ का माहौल बना है। नशा मुक्ति से जुड़े कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। तो पूनम अंकुर छाबड़ा ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आबकारी विभाग को आदेश प्रदान करें कि वो सख्ती से प्रदेश में आबकारी नीति की पालना सुनिश्चित करवाएं। साथ ही प्रदेश में समय समय पर खुलने वाली शराब दुकानों पर सख्ती बरत कर उन्हें तय सीमा में ही शराब खोलने की पाबंद करें और उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही आबकारी नियमों के अंतर्गत शराब दुकान खोलने व बंद करने के समय को सख्ती से लागू करेगी। चलिए एक रुक करते हैं छड़वासा कस्बे की ओर, जहां पर हाईवे निर्माण 79 के दौरान एक कार गिरती हुई नजर आई है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। छड़वासा कस्बे में हाईवे 79 पर निर्माणाधीन पुलिया में रेड्स कार कूद चुकी है। वहीं कार सवार मोहम्मद वसीम ने बताया कि वो दो महिलाओं व बच्चे के साथ हडोंडी से भीलवाड़ा जा रहे थे कि झड़वासा के पास ओवरटेक करने में कार अनियंत्रित होकर सीमेंट जेब्रा बॉक्स से टकरा करके निर्माणाधीन पुलिया जिसमें आरसीसी के सरिये लगे हुए थे वहां पर जाकर के गिर गई। गनीमत तो यह रही है इसमें कि किसी को भी कोई भी चोट नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के म्यूकोरमाइकोसिस बोर्ड की स्टडी में सर्जरी होने के बाद फिर फैल रहा ब्लैक फंगस। एसएमएस अस्पताल में अब तक 27 केस पहुंच चुके हैं। इस तरह की प्रॉपर मेडिसिन नहीं लग पाने से बढ़ सकता है फंगस। एसएमएस में अब तक करीब 450 ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचे हैं। 410 की हो चुकी है सर्जरी। ब्लैक फंगस के करीब 25 मरीज जिनके दिमाग तक पहुंच गया है फंगस, उनकी मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस की मुख्य दवा एम्फोटोरिसिन नहीं होने की वजह से लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है। जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में महिला की हत्या। शालीमार चौराहे के पास स्थित एक फैक्ट्री में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव। सूचना पर झोटवाड़ा थाना पुलिस पहुंची। मौके पर FSL टीम को बुलाया गया। मौके पर अभी तक नहीं हो सकती मृतिका की शिनाख्त। राजा राम गुज्जर के कोर्ट में पेशी। आज निलंबित मेयर सौम्या गुज्जर के पति राजा राम गुज्जर और BVG कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे को गिरफ्तार करने का मामला है। ACB आज दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी करेगी और वहीं कोर्ट में पेश होने के अनुसंधान के लिए माफी मांगी जाएगी। आरोपियों की रिमांड, वहीं आरोपियों की सीज किया मोबाइल व अन्य दस्तावेजों की भी की जाएगी जांच। ऑनलाइन चलेगा प्रशासन शहरों के संग अभियान। अभियान को लेकर तैयार ऑनलाइन पोर्टल का आज होगा शुभारंभ। UDH मंत्री शांति धारीवाल करेंगे पोर्टल का शुभारंभ। दोपहर 2 बजे मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी निवास पर होगा कार्यक्रम। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे प्रेस वार्ता। PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस वार्ता। PCC मुख्यालय पर मीडिया से होंगे रूबरू। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वाले परिवारों का अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करे। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट कोई मुआवजा तय नहीं कर सकती। सरकार अपनी नीति के मुताबिक पीड़ित परिवार को राहत देने का निर्णय ले सकती है। उड़ीसा में फर्जी सिम रैकेट का भंडाफोड़। 16,000 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिसमें 7 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक्टिविस्ट सिम कार्डों का इस्तेमाल ज्यादातर साइबर अपराधी करते हैं, क्योंकि उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल किया जाता है और अगर जांच की जाए तो कागजातों के बल पर उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता जो उनका उपयोग कर रहे हैं। राजस्थान BJP के हाल ही में वायरल हुए प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के 22 साल पुराने लेटर ने पार्टी में तहलका मचा दिया है। इस लेटर बम के जरिए वसुंधरा राजे गुट ने पूनिया का नाम लिए बगैर उन पर जोरदार हमला बोला। भैरव सिंह शेखावत, ललित किशोर चतुर्वेदी,
हरिशंकर भाबड़ा ने पीठ में छुरा घोंपकर प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं की छाती पर पैर रखकर टिकट कटवाया है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता अपना अपमान को सहने की स्थिति में नहीं है। इतने दिन का लगातार उपेक्षा में मैं शुभ हूँ। मैं इस मानसिकता को कहीं नहीं मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बना रहूं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़े निर्णय लेते हुए अब राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। इसके टॉप ब्यूरोक्रेट्स से लेकर पियोन तक सभी शामिल होंगे। पहले केवल राजपत्री अधिकारियों के लिए ही प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन अनिवार्य था, लेकिन अब सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा। प्रदेश के कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में आती तेजी दिख रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अस्पतालों में कोरोना से मौत होने पर शव को घर ले जाने की अनुमति दे दी है और अंतिम संस्कार करने की भी अनुमति मंगलवार को दे दी। ऐसे में परिवार वाले अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार कर सकेंगे। मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राज में अभिनेता के तौर पर करियर की शुरुआत की गई। 39 साल में राज एक फिल्मेकर थे। उनके सामने आ रही जानकारी के अनुसार राज कौशल का निधन बुधवार सुबह 4:30 बजे हुआ। राज कौशल के निधन पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने शोक जताया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को डीएसडी दौसा और पुलिस थाना रामगढ़ पचवाड़ा की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध गांजे के 55 पेड़ और 650 ग्राम गांजे को जब्त किया गया। साथ ही नारायण पटेल की ढाणी राहुवास में अवैध गांजे की खेती हो रही थी, तो वहीं मुखबिर की सूचना पर डीएसपी दौसा के नेतृत्व में और रामगढ़ थाना प्रभारी सुभाष चंद शर्मा की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्यवाही को अंजाम दिया। साथ ही साथ अवैध गांजे के 55 पेड़ और 650 ग्राम गांजा थैलियों में भरा हुआ मिला है, तो वहीं एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और अब तक की हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। हरियाणा की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है। जेबीटी भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। औपचारिक तौर पर ओम प्रकाश चौटाला आज तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। ओम प्रकाश चौटाला की स्पेशल रिमिशन मंजूरी कर दी गई है। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली के तिहाड़ जेल में जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे थे। सजा पूरी होने से 6 महीने पहले ही वो जेल से रिहा होंगे। स्पेशल छूट की वजह से सजा 6 महीने कम कर दी गई है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुई निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी तौसीफ की अपील पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। तौसीफ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी थी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माना राशि पर भी रोक लगा दी है। अक्टूबर 2020 में 21 साल की बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर को सरेआम गोली मार दी गई थी। प्रदेश की राजनीति में आम भूमिका निभाने वाले आदमपुर के सरकार ने नगर पालिका के सौगात दी है। सरकार के निर्देशों के तहत मंगलवार को शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग ने आदमपुर को नगर पालिका बनाए जाने की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद आगामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आदमपुर व जवाहर नगर पंचायत को मिलाकर आदमपुर नगर पालिका बनाया गया है। इसके तहत आदमपुर नगर पालिका की सीमाओं का निर्धारण किया गया। वहीं लोगों ने सरकार को इस फैसले पर मिठाई बांटी और खुशी भी जाहिर की है। हरियाणा में 4 जगहों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर फ्लाइंग स्कूल चलाने की संभावनाओं का पता लगा जा सकता है। 2 जगहों के लिए जो टेंडर अलॉट कर दिए गए हैं, हिसार के अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र की स्थापना के अलावा हरियाणा प्रदेश में मौजूदा हवाई पट्टियों का सुधारीकरण किया जाएगा। यह निर्णय हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में आयोजित नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों की बैठक में लिया गया। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने आज राज्य अपराध शाखा में तैनात सब इंस्पेक्टर विजय सिंह को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर धर्मवीर ने बताया कि सब इंस्पेक्टर विजय पानीपत में 6 जनवरी को पानीपत थाना में धारा 420, 467, 468, 471 व 120B तहत दर्ज मामलों में जांचकर्ता थे। मामले में शिकायतकर्ता धर्मपाल का नाम इस केस के निकालने की एवज में सब इंस्पेक्टर विजय ने धर्मपाल से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। दौसा जिले के सिकंदरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश गीजगढ़ पहुंच चुकी हैं। गीजगढ़ सीएसटी पर ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने शिलान्यास किया।
तो वहीं BCMHO डॉक्टर अमित मीणा सहित मेडिकल विभाग के अधिकारी एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामजीलाल और ब्लॉक अध्यक्ष शिवराम मीणा, ब्लॉक प्रवक्ता शंभू दयाल तिवारी, जलस तिवारी, ओम प्रकाश घूमना एवं समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। साथ ही मंत्री ने फीता काट करके ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहिबान शिवराम जी, हीरालाल जी, हमारी सरपंच साथी जो मेरे साथ में विराजमान है, और सभी जनप्रतिनिधि साथीगण, पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकों, मैं मुबारकबाद सिर्फ गीजगढ़ को नहीं अपने आसपास के इलाकों को भी देना चाहती हूँ कि ये कोरोना जैसी महामारी चली और इसके अंदर हर व्यक्ति की जिंदगी सांसों के कारण अटक रही थी। चारों तरफ अखबारों में आप भी पढ़ते थे कि ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये ऑक्सीजन प्लांट का विचार किया और आज उसका हम लोग उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं समझती हूँ आने वाले भविष्य में कभी किसी भी प्रकार की महामारी या कोई बीमारी या डिलीवरी के समय औरतों का अगर तकलीफ आएगी तो ये ऑक्सीजन प्लांट हम सब लोगों को एक जीवन रक्षक साबित होगा। सिकराय में भी एक ऑक्सीजन प्लांट हमने पास करा दिया, वो इससे भी डबल है, वो बड़ा है, कम से कम 70-80 लाख रुपए का है, तो वहाँ भी हो गया। कोविड चला तो हमने भांडा रेंज भी कोविड सेंटर बनाया, गीजगढ़ भी बनाया, अभी मैं पापड़दा के अंदर एम्बुलेंस भी मैंने भेजी, यहाँ भी भेजी एम्बुलेंस, 5 जगह 6 जगह हमने एम्बुलेंस भेजी, 5 जगह जनरेटर सेट भेजे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि सब लोग निरोगी रहे, स्वास्थ्य के प्रति हम सब लोग चिंतित रहें, क्योंकि जिस तरह की महामारियों की बातें हम सुन रहे हैं, तीसरी लहर भी आएगी, अभी ये भी होएगा, तो सब लोगों के दिल में खौफ का भाव माहौल बन गया है। तो आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना भी है इस बात की कि आप इस बीमारी को हल्के में नहीं लें। जब पहली लहर आई थी, जब सब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई थी कोरोना की, मैं भी गांव में घूमती थी, बातों के लिए मास्क लगा लो, सैनिटाइज, तो मुझे कहते थे MLA साहब ये तो शहरों की बीमारी है, गांव के अंदर ये बीमारी नहीं। लेकिन इस बार दुर्भाग्य से गांव के अंदर ये ज़्यादा बीमारी आई और हमारे बहुत से साथी काल का ग्रस्त बन गए, उनको मौत हुई इस बीमारी की वजह से। तो हम सब लोगों की मिल के आज ये कोशिश है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में हम अपने क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करा पाए। अब इंटरलॉकिंग टाइल का भी मैं सरपंच साहब को धन्यवाद दूंगी, पिछली बार जब आई थी मैं कोविड सेंटर के लिए, तो मैंने इससे कहा था कि भी आप ये हॉस्पिटल में कच्चा मिट्टी सब हो रही, तो आप इसको इंटरलॉक टाइल लगवा दो। तो मेरे निवेदन पे इन्होंने पंचायत की तरफ से ये किया, इसके लिए मैं सब कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अभी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत सी चीज़ें, नवाचार और भी मुख्यमंत्री जी पास करते जाएंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम देते जाएंगे। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि इस महामारी में हमको, आपको, सबको, अपने अपने परिवारों को ध्यान रखना है। जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आने वाले समय के सारे कामों को हम करा भी पाएंगे और देख भी पाएंगे, क्योंकि विकास को देखने के लिए हमें जिंदा रहना भी ज़रूरी है, स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। तो पहले हम सब लोग इस बीमारी से बचने का प्रयास करें, सब अपने घर में स्वस्थ रहें, यही निवेदन करते हुए मैं सबको बधाई दूँगी कि इस इलाके के अंदर हम लोग धीरे धीरे 1.5 साल से कोरोना में फंस रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ विकास के कामों को लेकर ही आते रहेंगे और आगे भी करूंगी। आप लोगों ने जो 5 साल की जिम्मेदारी मुझे दी है, उसको मैं बखूबी पूरा करने का प्रयास करूंगी कि रात दिन आप लोगों के लिए सेवा कर सकूँ। धन्यवाद। जय। वही खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां एकाएक बवाल शुरू हो गया। बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकालने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। किसान और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इस पूरे हंगामे में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी नेता हमारे मंच पर आए थे और अपने नेता का स्वागत करने लगे, ये तो गलत है। वही भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईवे के बीच
मंच के पास भारी संख्या में इकट्ठे होकर किसी नेता के स्वागत के बहाने ढोल बजाकर आंदोलन विरोधी नारे लगाए। बाकी कार्यकर्ता के माने तो अपनी लाठी डंडों से हमला किया, जिससे किसान घायल हो गए। वहीं अगले ट्वीट में भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि भाजपा आंदोलन को हिंसा से तोड़ना चाहती है, जिसका उदाहरण आज की गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा है। सभी किसानों से विरोध। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। जयपुर जीडीए की भवन मानचित्र समिति बिल्डिंग प्लान की बैठक हुई है, जिसमें आप सभी को बता दूं बैठक में भवन निर्माण अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ बॉम्बे हॉस्पिटल की भवन निर्माण अवधि बढ़ाने का फैसला किया, तो वहीं ग्राम रामचंद्रपुरा तहसील सांगनेर में निर्माणाधीन भवन बताया जा रहा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके अंदर राज्य में कार्यरत लगभग 8 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें कि पहले ये बिल केवल राजपत्रित कर्मचारियों के लिए ही प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन का रूल बनाया गया था, लेकिन अब ये अधिकारियों से लेकर पीएम तक के लिए सबके लिए प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अब राज्यों के सभी करीब 8.5 लाख कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य कर दिया है। इनमें टॉप ब्यूरोक्रेट से लेकर के पियोन तक सभी शामिल होंगे। पहले केवल राजपत्रित अधिकारियों की ही प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन अनिवार्य था, लेकिन अब ये सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा। प्रदेश के कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। अचल संपत्ति को विवरण नहीं देने पर कार्मिक का वार्षिक इंक्रीमेंट एवं प्रमोशन प्रभावित हो सकता है। कर्मचारी को 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अपने अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। राज्य के कार्मिक विभाग के अनुसार यह आदेश राज्य सरकार के सभी नियंत्रित बोर्ड निगम स्वशासी संस्थाओं और राजकीय उपक्रमों पर लागू होंगे। राजपत्रित अधिकारियों की भांति अचल संपत्ति का वर्तमान मूल्य का आधार डीएलसी दर के अनुसार किया जाना है। राज्य के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया, वे अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अचल संपत्ति का विवरण देने के लिए निर्देशित करें। राजस्थान के जेलों में बंद कैदियों के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार विचारशील है, और इसी विचार को आगे बढ़ाने के क्रम में एक अहम निर्णय लिया गया है, जिसमें 17 पेट्रोल पंपों का राज्य में विस्तार किया जाएगा और उन सभी पेट्रोल पंपों की जिम्मेदारी जेल के बंद कैदियों को दी जाएगी। राजस्थान के जेलों में बंद कैदियों के कौशल विकास और जेल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार नवचार जारी है। पिछले साल जयपुर में शुरू किए गए नवचार को अब प्रदेश भर में एक्सटेंड करने की तैयारी है। अब जल्द ही प्रदेश भर में 17 पेट्रोल पंप शुरू किए जाएंगे, जिसका जिम्मा कैदियों के पास रहेगा, यानी कैदी ही पेट्रोल पंप का संचालन करेंगे। शुरुआती तौर पर अलवर और भरतपुर में पेट्रोल पंप शुरू करने को लेकर जेल प्रशासन और संबंधित कंपनी के बीच एमओयू हो चुका है। इसके साथ ही कोटा में एक और अजमेर के 2 पेट्रोल पंप शुरू करने की तैयारी है। जेल डीजी राजीव दासोत ने बताया कि 12 और जिलों में पेट्रोल पंप शुरू करने को लेकर सर्वे किया जा चुका है। अक्टूबर 2020 में जयपुर में जेल प्रशासन की ओर से पहली बार पेट्रोल पंप शुरू किया गया था, उसे आज भी जयपुर ओपन जेल के बंदी संभाल रहे हैं। इस पेट्रोल पंप में जेल प्रशासन को 10 लाख रुपए की आय भी हो रही है। पेट्रोल पंप को मिल रहे रिस्पॉन्स और बंदियों के कौशल विकास से उत्साहित जेल प्रशासन ने अन्य जिलों में भी इस कवायद को शुरू करने की ठानी है। जेल डीजी राजीव दासोत के अनुसार पेट्रोल पंप शुरू करने से बंदियों को रोजगार मिल रहा है और जेल की चार दीवारी से मुक्ति भी। वही जेल विभाग को अच्छी आय भी हो रही है, इस जेल के विकास में लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की जेलों में गत कई वर्षों से नवचार किया जा रहा है। नवचारों के मामले में राज्य की कोटा सेंट्रल जेल सबसे आगे है। तो ये पहला पेट्रोल पंप शुरू हो गया। अभी 3 दिन पहले हमने अलवर और भरतपुर के लिए भी 2 पेट्रोल पंप का एमओयू साइन कर दिया है, और इसके बाद कोटा और 2 पेट्रोल पंप अजमेर में, 3 की साइट हमारी सेलेक्ट हो गई, तो कुछ ही समय में वो एमओयू भी साइन कर दिया जाएगा। तो ये 6
पेट्रोल पंप्स तो चालू हो ही जाएंगे। इसके अलावा सर्वे हमने आगे के लिए भी किया है और 12 अन्य स्थान भी चिन्हित कर लिए हैं जिन पे कि काम शुरू होगा। तो लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो 18 पेट्रोल पंप हो जाएंगे, और यदि एक पेट्रोल पंप हमें 10 लाख रुपये का एवरेज भी हम मान लें प्रति माह का, तो 1,80,00,000 यानी 2 करोड़ रुपये महीना हमारी टारगेट है। पूरे देश के अंदर आतंकवादियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, और ऐसे ही जम्मू के अंदर देखने को मिला है जहां पर पिछले 3 दिन से लगातार आसमान के अंदर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनसे नुकसान शनिवार की रात्रि के समय पे हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी आतंकियों के हौसले इतने बुलंद है कि भारत ने इतनी सतर्कता बरत रखी है, लेकिन फिर भी आसमान के अंदर यह ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कल जम्मू के डल झील के अंदर यह ड्रोन उड़ते हुए नजर आए हैं। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सतर्क हो चुके हैं और उन्होंने इस पर एक बैठक भी बुलाई है, और बैठक के साथ साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंदर इस मुद्दे को उठाने की बात भी कही है कि आखिरकार यह ड्रोन आ कहां से रहे हैं और यह ड्रोन किस आतंकवादी क्षेत्र से भेजे जा रहे हैं। इसको लेकर के अभी मंथन लगातार जारी है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार ड्रोन तो उड़ते हुए नजर आए हैं, और ड्रोन के उड़ने के बाद में जो पुलिस ने और प्रशासन ने एक ड्रोन को पकड़ा भी है, वो आखिरकार कहां का है और कैसे उसकी जांच की जा रही है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू में लगातार तीसरे दिन मंगलवार को भी ड्रोन मंडराए। साथ ही कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने खुलासा किया है कि डल झील के ऊपर मंगलवार को दिन में ड्रोन को जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है, और जम्मू के सैन्य क्षेत्र रत्नुचक और कुंजवानी में भी ड्रोन देखे गए हैं। फिलहाल सेना ने ड्रोन देखे जाने की पुष्टि नहीं की। ड्रोन मामलों की जाँच NIA को सौंप दी गई है। और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद ड्रोन द्वारा इस्तेमाल को गंभीर खतरा बताया है। मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर ड्रोन हमलों को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। साथ ही साथ ड्रोन हमलों के हैंडलर्स की लोकेशन के बारे में पड़ताल अभी जारी है। साथ ही सूत्रों के अनुसार यदि उन्नत ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है तो आशंका है कि हैंडलर्स ने सरहद पार यानी पाकिस्तान से इसका संचालन किया हो। लेकिन इसकी भी आशंका है कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी यहीं से इसका संचालन कर रहे हों, और लगातार तीसरे दिन ड्रोन देखने से आशंका है कि हैंडलर्स स्थानीय भी हो सकते हैं। कोरोना वायरस लाइव अपडेट। थाईलैंड रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड ऑफ 53 कोविड-19 फैटलिटीज एंड 4,780 इन्फेक्शंस एज द कंट्री स्ट्रगल टू कंटेन इट्स मोस्ट सीवियर आउटब्रेक सिंस द स्टार्ट ऑफ द पेंडेमिक। द कंट्रीज थर्ड वेव बिगेन इन अप्रैल व्हेन द कॉजेस वाज लिंक्ड टू द बार एंड क्लब्स इन बैंकॉक। सिंस देन द वायरस हैज स्प्रेड रैपिडली इनसाइड द प्रिजंस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज एंड क्राउडेड एरियाज ऑफ द कैपिटल। इन पास्ट 24 आवर इंडिया रिपोर्टेड 45,000 न्यू केसेस। Brazil was suspended and contract to buy Bharat Biotech COVID-19 vaccine Covaxin that has mired President Jair Bolsonaro in accusation of irregularities, Health Minister announced. A day after Punjab MLA Navjot Singh Sidhu's office claimed he has been called to Delhi for a meeting with Rahul Gandhi, the former Congress president said there is no such meeting. Media reports now state that the meeting is likely to be held on Wednesday. There is no meeting, I don't know what fuss you are making, Gandhi reported. And by leaving in Tughlaq Lane residence on it, he asked if he was meeting with Sandhu as claimed by the former Punjab minister's office. Rahul and Priyanka Gandhi are trying to bring all Congress leaders, including Sidhu, a common platform and present a united Congress ahead of elections. Jailed Bahujan Party's MLA and Mafia Don Muqtada Ansari has pleaded before a Barabanki court for a television set in his barrack. Ansari made the plea during his appearance before Barabanki Chief Judicial Magistrate Rakesh when a hearing was underway for the extinction of the judicial custody in forgery case on Monday through video conference. The forgery case is related to the registration of bulletproof ambulance that Ansari allegedly used and moving between the Roper Jail in Punjab and various courts in the state.
48 hours after the India faced the first drone terror attack in Jammu, the center raised the threat at the Union National General Assembly conference. Speaking at the second level conference of the heads of the Counter-Terrorism Agency of Member State, VSK Kaumudi, Special Secretary MMHS Internet Security, raised the issues of drones and the threat of Pakistan-based terror group targeting India. The sudden demise of Raj Kaushal, filmmaker, and the Mandira Bedi's husband has sent shockwaves through the entertainment industry with an outpouring of the grief and advice at the actors to directors who passed away on the Wednesday morning after suffering a death attack. Several celebrities, including Neha Dupia, Manoj Bajpayee, Anil Devgn, Arshad Varsi, and Tiska Chopra, came across the mourning the death of Kaushal on social media. That's all for today. For further updates, stay tuned with News19. मैं आप सभी को बता दूं कि जम्वा रामगढ़ के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाकर के जन्मदिन मनाया गया। जम्वा रामगढ़ उपखंड के पंचायत समिति आंधी के गांव लालवास में पूर्व सरपंच सुरेश मीणा ने सार्वजनिक व दार्शनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाकर के अपना जन्मदिन मनाया है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। सुरेश मीणा ने बताया कि केक काट करके जन्मदिन तो सब मनाते हैं, पर पेड़ पौधे लगा करके जन्मदिन मनाना किसी पुण्य से कम नहीं। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इस मौके पर सरपंच ने युवाओं के साथ बाढ़ रसूलपुरा बालाजी महाराज के मंदिर में पेड़ लगाए, जिसमें राजेश राकेश प्रधान, गणपत राजावत, सीताराम धारा सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। चलिए अभी रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि स्काउट शिक्षक को भावभीनी विदाई दी गई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनहड़ में कार्यरत शिक्षक कल्याणमन महावर और को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। सोनहड़ में स्काउट सर के नाम के विख्यात कल्याणमन 20 वर्षों से स्काउटिंग के लिए समर्पित रहे हैं। उनका स्काउटिंग के प्रति जज्बे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे विदाई के बाद स्कूल से घर भी स्काउटिंग यूनिफॉर्म में गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने 2 विद्यार्थियों को राष्ट्रपति अवार्ड, 13 विद्यार्थी राज्यपाल अवार्ड दिलवाने में सहायता की। और इसी अवसर पर प्रधानाचार्य गंगाराम मीणा ने कहा कि स्काउट पर हमेशा हर कार्य में अव्वल रहे हैं। यह सर स्काउट ही नहीं, परीक्षा परिणाम, विद्यालय के अन्य कार्यों में भी मन लगाकर कार्य करते हैं। और सरपंच बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि कल्याण शिक्षा क्षेत्र में उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। सभी शिक्षक विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए मन लगाकर मेहनत करें। सेवानिवृत्ति के अवसर पर कल्याणमन ने कहा कि वे अब स्काउटिंग के लिए पूर्ण समर्पित रहेंगे और अब स्काउटिंग के लिए अधिक समय दे पाएंगे। और इसी अवसर पर स्काउट सचिव ने स्थानीय संघ की ओर से साफा बंधवाया और स्काउट्स ने स्कार्फ पहना करके अभिनंदन भी किया है। इसी अवसर पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से उनका सम्मान किया गया। और इस अवसर पर सरपंच बाबूलाल गुप्ता, पूर्व सरपंच कालूराम मीना, पंचायत समिति सदस्य मालू सिंह मीना, चंद्रमोहन बैरवा सहित कई लोग उपस्थित रहे। यहाँ जब मैं आया तो आज जो विद्यालय बिल्डिंग है, और उस समय जब आया था 2001 में, यहाँ पर बहुत सारे ये छोटे छोटे कमरे थे, फूट फूट अवस्था में, तो बहुत कुछ यहाँ पे परिस्थितियाँ आज बदल गई है भौतिक रूप से। उस समय जब मैं यहाँ पे श्री मुरारी लाल जी जहांगीर कार्यरत थे, जो बहुत ही अपने आप पे एक अस्तित्व थे, व्यक्ति था, सोनहड़ में उनका नाम भी है था। तत्पश्चात 2-3 प्रधानाचार्य यहाँ पे सही कार्य होकर चले भी गए हैं। यहाँ पर मैंने जितना हो सका छात्रों को देने का प्रयास किया है। वही वडोदरा के दूसरे सबसे बड़े शहर यानी कि जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि नकली दवाइयों के कारोबारी ने कोरोना के वक्त में भी लोगों की जान को जोखिम में डालने से गुरेज नहीं किया। आपको बता दें कि कोरोना को कम करने के लिए, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो मेडिसिन लगातार लेनी पड़ती है, उसकी नकली डोज बनाई गई और लगभग लाखों की डोज को मार्केट में बेचा गया। आपको बता दें कि फेविपिराविर नाम की जो मेडिसिन थी, उसकी नकली उत्पादन को मार्केट में उतारा गया।
प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में कोरोना काल में भी दवा निर्माताओं की शर्मसार हरकत सामने आई है। कोरोना संक्रमण के पीक टाइम में दवा निर्माताओं ने कोरोना संक्रमण खत्म करने वाली दवा फेविपिरावीर में नकली पाउडर मिलाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से गुरेज नहीं किया। हैरान करने वाली बात ये रही कि राज्य की औषधि नियंत्रण विभाग की जब नींद खुली तब तक लाखों टैबलेट बाजार में बिक चुके थे। दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण को खत्म करने वाली फेविपिरावीर सॉल्ट की टैबलेट की अमान्य दवा बेची गई। कोरोना संक्रमण खत्म करने के लिए पीड़ित को दी जाने वाली दवाओं में फेविपिरावीर भी शामिल है। इलाज के दौरान पीड़ित को पहले दिन से ही इस टैबलेट की 18 टैबलेट लेनी होती है। इसमें 9 टैबलेट सुबह और 9 टैबलेट शाम को लेनी होती है। इसके बाद प्रतिदिन इसकी संख्या में कमी होती जाती है। इस टैबलेट की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। फेविपिरावीर सॉल्ट का एक पैकेट 900 से 1300 रुपए तक बाजार में बिक रहा है। चलिए अभी रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने शराब की दुकानों को खोलने की जो समय अवधि है उसको लेकर के पत्र लिखा है। आखिरकार इस समय अवधि में जब शराब की दुकानें खुली भी हैं, लेकिन फिर भी इस पत्र के अंदर आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने शराब की दुकानों के समय निर्धारण करने की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजा है। पूनम अंकुर छाबड़ा ने बताया कि आबकारी नीति के तहत प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक यानी 10 घंटे खुलने और बिक्री करने की अनुमति है, जिसका नियम भूतात्मा गुरुशरण छाबड़ा साहब के साथ पूर्व में हुए समझौतों में आपकी सरकार में ही तय हुआ था। और इसी के बावजूद वर्तमान में प्रदेश में शराब की बिक्री सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक होती है, जो 13 घंटे का समय है। और शराब की दुकानों का यह समय स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ा साहब के साथ हुए समझौतों की भी अवहेलना है। साथ ही इससे प्रदेश का माहौल भी खराब हो रहा है और स्थानीय निवासियों में नाराजगी के साथ खौफ का माहौल बना है। नशा मुक्ति से जुड़े कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। तो पूनम अंकुर छाबड़ा ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आबकारी विभाग को आदेश प्रदान करें कि वो सख्ती से प्रदेश में आबकारी नीति की पालना सुनिश्चित करवाएं। साथ ही प्रदेश में समय समय पर खुलने वाली शराब दुकानों पर सख्ती बरत कर उन्हें तय सीमा में ही शराब खोलने की पाबंद करें। और उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द ही आबकारी नियमों के अंतर्गत शराब दुकान खोलने व बंद करने के समय को सख्ती से लागू करेगी। चलिए अभी रुक करते हैं छड़वासा कस्बे की ओर, जहां पर हाईवे निर्माण 79 के दौरान एक कार गिरती हुई नजर आई है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। छड़वासा कस्बे में हाईवे 79 पर निर्माणाधीन पुलिया में रेड्स कार कूद चुकी है। वहीं कार सवार मोहम्मद वसीम ने बताया कि वो दो महिलाओं व बच्चे के साथ हडोंडी से भीलवाड़ा जा रहे थे कि झड़वासा के पास ओवरटेक करने में कार अनियंत्रित होकर सीमेंट जेब्रा बॉक्स से टकरा करके निर्माणाधीन पुलिया जिसमें आरसीसी के सरिये लगे हुए थे वहां पर जाकर के गिर गई। गनीमत तो यह रही है इसमें कि किसी को भी कोई भी चोट नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्वागत है आपका न्यूज 19 में, मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की। रिस्क है तो इश्क है, स्कैम 92 का यह डायलॉग फेमस हो चुका है। अब कोरोना और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने से फिल्म ही नहीं टीवी शो और वेब सीरीज प्रोड्यूसर्स भी मूवी इंश्योरेंस की तरफ झुक रहे हैं। वहीं मार्केट और बड़ा है और रिस्क भी बड़े हैं, इसलिए फिल्म इंश्योरेंस के प्रीमियम रेट भी बढ़ गए। पूरे एंटरटेनमेंट सेक्टर में जल्द ही मंदी का माहौल है और तब मूवी इंश्योरेंस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,641 नए मरीजों की पहचान हुई है। 60,258 लोग ठीक भी हो गए और 816 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 78 दिन में रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा सबसे कम रहा है।
इससे पहले 12 अप्रैल को 880 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ा और मंगलवार को एक्टिव केस में 15,438 की कमी आई है। अब 5.31 लाख मरीजों का इलाज जारी है। जम्मू में शनिवार की रात हुए ड्रोन जैसे हमलों से निपटने के लिए सरकार ने सिस्टम और तकनीक की पहचान कर ली है। इसके लिए जल्द ही काउंटर ड्रोन पॉलिसी लाई जाएगी। वहीं सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट भी दी गई और इसके मुताबिक एक सीनियर अफसर का कहना है कि पूरे नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में काउंटर ड्रोन सिस्टम की स्थायी तैनाती की जरूरत है। इससे जुड़ी पॉलिसी पर काम अभी जारी है। केरल के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने इस साल की शुरुआत में फेडरेशन कप में नेशनल रिकॉर्ड के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने अपने पांचवें प्रयास में 8.26 मीटर छलांग लगाई थी। ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन सीमा 8.22 मीटर निर्धारित की गई। श्रीशंकर ने इससे पहले 2018 में 8.20 मीटर छलांग लगाकर भी नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। अयोध्या के अंदर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद सामने आने के बाद में इसकी कमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने हाथों में ले ली। अब तक संघ ने कार्यवाहक रहे भैयाजी जोशी मंदिर परियोजना के केयरटेकर की भूमिका निभाएंगे, यानी अब पूरा प्रोजेक्ट भैयाजी जोशी की देखरेख में चलेगा। तो वहीं संघ में अनौपचारिक तौर पर यह निर्णय हुआ। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।